हावू साहब जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने जो चीफ जस्टिस के जो इख्तियार हैं कि वही बेंच बना सकता है वही बेंच आ, केस लगा सकता है केस नहीं लगाएगा तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो ला महदूद इख्तियार हैं उनको एक डिक्टेटर के अखियारात से तशबी दी और अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसके तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारकसीम कर दिए गए हैं तीन जजों में पहले एक शख्स के पास थे अब फैसला तीन जजस करेंगे तो आप समझते हैं वाकई के आज के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो लामहदूद थे जिसको एक जज साहब जो हैं तारिक मसूद साहब वो डिक्टेटरशिप कह रहे हैं वो डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई बसम बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब लेकिन बात यह है जो बात उन्होंने की बिल्कुल सही की क्योंकि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंजूरी की फ़ैसले से पहले आपको मालूम है कि एक अदालत में सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स यानी वन मैन शो और अनानियत फ़ैसलों की फ़ा और माहौल में बरकरार था लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ायज़ स्सा ने जो फैसला दिया इस फैसले से डिक्टेटरशिप सुप्रीम कोर्ट की छारजारी के अंदर आमिरियत को ज़मन बोस भी किया बल्कि समंदर बुरद किया गया मेरे ख़्याल में ये आज की तारीख में बहुत बड़ी नक शगुन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरीत के लिए हामिद मर साहब बात यह है कि आज एक अदना से अदना और कमज़ोर शख्स अपने इख्तियारत को तकसीम करने या किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ैज़ान नेतित कर लिया कि जो भी फ़ैसला होगा वो एक शख्स डिक्टेटर या आमिर बन के नहीं कर सकता बल्कि मुशावरत से फैसला होगा जो कि पार्लियामेंट ने क़ानून साजी के ज़रिए एक रास्ता दिया मुशावरत का और आपको याद होगा आपने अभी एक हवाला भी दिया जस्टिस काजी फैज स्सा साहब का जो अभी आपने हवाला दिया जो एक अंग्रेज जज है या किसका उन्होंने इस्लाम जी, इस, का हवाला दिया जस्टिस और इस जो जस्टिस इसमें उन्होंने इस्लाम की बात की है और जी काजी फैज स्सा हमेशा ये बात करता रहा कि आप हमें अमरीकन कानून उनकी फैसलों का हवाला क्यों देते हैं आप इस्लाम का हवाला क्यों नहीं देते हैं और काजी फैज शाह का मुझे याद है वो बार बार ये कहता रहा कि कुरान हमें हुक्म दे रहा है मुशावरत की व शावर हम फिल अम्र वम्र हम शूर आबेन हम आप जो भी फैसला करते हैं मुशावरत से करें अब आप मुझे बताइए पार्लियामेंट ने जो कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इसमें तो ऐन ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरथ की आइन की रोशनी में मुशावरत की तरफ दावत दी है अब एक तरफ मुशावरत की बात हो रही है काजी फैज शाह की सूरत में कि बाबा मुशावरत होनी चाहिए कोई आमरीत तो नहीं है कोई डिकटेसरशिप तो नहीं है इख्तियार तकसीम कर रहे हैं दूसरी तरफ आमरीत और डिक्टेरशप की तरफ बुलावा हो रहा है अब आप अंदाज़ा लगाइए मैं तो आज का फैसला समझता हूँ कि यह आमरीत का खात्मा हुआ और जमीन बोस और सम, समंदर बुर्द हुआ आज के फैसले से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी साबित हुई आज के फैसले से यह ये, ये तस्लीम किया गया कि असल हक उस कानून का है जो पार्लियामेंट से होके आता है ठीक है लिहाजा मैं तो ये कहता हूँ कि इससे वो टकराव जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो टकराव था उस टकराव का खात्मा हुआ ये हमारे मुल्क के लिए जमहूरीत के लिए सिस्टम के लिए नियशुन है अच्छा अब ये बताएं मुसदक मलिक साहब के इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो माजी की अपीलें हैं पुरानी अपीलें हैं उनको इस फैसले के मुताबिक एंटरटेन नहीं किया जा सकता तो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की तो आ, का ख़्याल था कि हो सकता है कि अगर माजी की अपीलें भी एंटरटेन हो जाएं तो उनको फ़ायदा हो जाएगा तो माजी की अपीलों पर तो ये लागू नहीं हो रहा फैसला तो इससे थोड़ी मायूसी नहीं हुई आपको देखिए दो चीज़ें आप इसको दो मुख्तलिफ जावियों से देख सकते हैं आ, पहला तो ये है कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको साइट भी नहीं किया जाता अदालत में किसी भी जगह पे मतलब ये अभी आपने जिक्र किया जस्टिस मुनीर वाला फैसला जो है वो एक फैसला है भुट्टो साहब की फांसी का फैसला जो है वो दूसरा फैसला है और हम समझते हैं हमारे साथ भी ये जो इकामा विकामा वाले केसेज़ हैं इस तरह के फैसले जो हैं वो गलत हैं तो क्या जो माजी के अंदर जो नाानसाफ़ी हुई है और इस हद तक हुई है कि वो आपके सामने आ, साइटेशन के अंदर भी नहीं लाई जाते वो फ़ैसले क्या ऐसा मौका होना चाहिए था कि उन तमाम फ़ैसलों को इस कानून की शक्ल में एक अपील का हक़ दिया जाए कुछ नाम साफ़ किए जाएं कुछ इंसाफ किया जाए मेरे ख़्याल में हो जाता तो अच्छा था मेरे अपने ती ख्याल में जो हमारे हम खुद ही जब तारीख़ का जिक्र करते हैं अगर आज हम पाकिस्तान के फैसलों की तारीख देखना शुरू कर दें तो आप कि माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा महारत है आप ही पाँच पचास फैसले सुना देंगे जो अजीबोगरीब किस्म के हुए हैं मुल्क में तो क्या हमें अपनी तारीख को साफ करने का एक मौका मिलना चाहिए था मेरे ख्याल में मिल जाता तो अच्छा था आ, इसकी क्या इम्प्लिकेशन होंगी मुझे अभी नहीं मालूम मेरे ख्याल में थोड़ी मुशावरत के बाद विजिबल होगा कि कौन से केसेस हैं जो इस पर एप्लीकेबल होंगे कौन से नहीं होंगे तो फिर उसके मुताबिक देखते हैं मगर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को एक ट्रूथ और रिकनसिलेशन की ज़रूरत है